करेंगे। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि इस बार हज किया जाएगा। हज 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ऑनलाइन एप्लीकेशंस देने की दरखास्त देने की शुरुआत हो गई है। आज से ऑनलाइन दरखास्त का अमल शुरू हो गया है। पूरा हज प्रोसेस 100% डिजिटल ऑनलाइन होगा। हज मोबाइल ऐप के जरिए भी दरखास्त दी जा सकती है। हज मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है। हज मोबाइल ऐप की टैगलाइन है हज ऐप इन योर हैंड। दरखास्त की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। आपको बता दें कि लोकल सामान के साथ सफर हज पर जाएंगे आजमीन। और सऊदी में पहले फॉरेन करेंसी में खरीदे जाते थे सामान, इस बार ज्यादातर सामान हिंदुस्तान में ही खरीदे जाएंगे। हिंदुस्तान में करीब 50% कम कीमत पर सामान मिलेगा। देसी सामान और वोकल फॉर लोकल को फरोग मिलेगा इससे। और मुआयन एम्बार्केशन पॉइंट पर सभी सामान मिलेंगे। इस बार 21 की जगह 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स तय किए गए हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची और दिल्ली में एम्बार्केशन पॉइंट्स, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ में भी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। वहीं मुंबई, श्रीनगर में भी तय किए गए हैं एम्बार्केशन पॉइंट्स। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का, बड़ी और खुशखबर खबर है। सऊदी हुकूमत के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ही हज मुकम्मल करने की इजाजत दी गई है। यही तमाम अपडेट दे रहे हैं आपको हज 2022 के हवाले से। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक अहम ऐलान किया है। नवंबर के पहले हफ्ते से यानी आज से ही एप्लीकेशन का अमल शुरू हो गया है। दरखास्त देना शुरू हो गए लोग। ये एक खुशगवार खबर भी है। लोगों ने राहत की सांस ली इसके बाद, क्योंकि कोरोना वबा के चलते पिछले 2 साल से हज के सफर पर पाबंदी थी। लिहाजा इस साल जब हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि 2022 में हज के मुबारक सफर पर निकल सकते हैं लोग, तो लोगों ने राहत की खबर ली। और हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे नुमाइंदे मुंबई से अमजद खान मौजूद हैं। अमजद का रुख करेंगे यहाँ तमाम अपडेट्स के लिए। अमजद, एक बेहतरीन खुशगवार खबर मिली है हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से। 2022 के लिए हज के मुबारक सफर पर निकल सकती है हिंदुस्तान के अवाम। और बताया जा रहा है कि आज से एप्लीकेशन का दरखास्त का अमल भी शुरू हो गया है। क्या रद्द अमल है मुंबई से आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंबई से आज जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने साफ तौर पे ये आके ऐलान कर दिया यहाँ पर कि जो हज 2022 है वो कहीं ना कहीं इब्तिदा हो चुका है, उसका उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ऑनलाइन ऐप के जरिए तमाम जो हाजी है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को इसके अंदर रद्दमल में लाया गया है। जैसे हज के अंदर जब कभी भी हम यहाँ से जाया करते थे तो वहां पर छोटी मोटी जो जरूरत की चीज हुआ करती थी, जैसे छतरी, बैग वगैरह, तो वहां पर दरब की वजह से खरीदनी पड़ती थी। तो उन तकलीफों को देखते हुए तमाम जो जो अरकीन है जो यहाँ से ही वो सामान जो है वो खरीद के लेके जाएंगे। ख्वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितनी ख्वातीन ने पहले जो हज के लिए भरा था, 3000 ख्वातीन ने जो हज के लिए भरा था, फॉर्म भरा था, उनके अलावा भी और भी जो नई ख्वातीन भरेंगी उनको भी हज उनको भी जाने का मौका जरूर लगेगा। और तमाम जो ऐसे अमल है वो तमाम जो हज कमेटी की तरफ से करे जाते हैं और वो तमाम चीजों का रद्द अमल किया जाएगा। अमजद, एक अहम खबर ये है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा इस बार हज के सफर पर जाने के लिए। पहले फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती थी सऊदी अरब जाकर और तब जाकर वहां सामान खरीदा जाता था, लेकिन अब एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाए गए हैं मुल्क भर में ही जगह जगह, और इन्हीं पॉइंट्स पर देसी सामान हज के सफर पर जाने वाले लोगों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर अगर बात करें मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, साफ तौर पे ये कहना था कि जब हमने अपने जो सऊदी में जो एम्बेसिडर है उनसे जब बात की तो यहाँ से जो सामान था वो इंडिया का ही सामान जाता था, सऊदी अरब से यहाँ से शिपिंग से जाता था, और वही सामान को कहीं ना कहीं जो हमारे हाजी जाया करते थे तो धर्म में खरीदा करते थे, तो उसकी वजह से वो जो सामान है अब उनको यहीं पे मुहैया कराया जाएगा। अब मुंबई के अंदर वो 2 से 3 किलो सामान होता है तो तमाम जो सुविधा है वो यहीं पे दी जाएगी। तो इनसे आम लोगों का जो पैसा है, जैसे इंडियन करेंसी में ही उनको पेड करना रहेगा, ना कि उनको धर्म में या डॉलर के अंदर पेड करना पड़ेगा। तो ये फैसला हज कमेटी ने बहुत अहम फैसला लिया है जिसकी वजह से तमाम जो हाजी है उनके लिए तमाम आसानियों का सबब होगा।
तो अमजद, क्या किसी किस्म का कोटा भी फिक्स किया गया है 2022 हज के सफर के लिए? पहले 1.5 लाख था कोरोना के चलते, फिर कम भी किया गया था, हालांकि 2 साल से तो हज के सफर पे लोग जा ही नहीं रहे हिंदुस्तान से, तो क्या ऐसी भी कोई हद तय की गई है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई हद नहीं तय की गई है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब का साफ तौर पे कहना था कि इंडोनेशिया के बाद दूसरी जो कंट्री होती है पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा हाजी भेजती है वो हिंदुस्तान है। लगभग 2 लाख के करीब जो हाजी है वो हर साल हिंदुस्तान से जाते हैं, जो हज के अरकान है वो पूरे करते हैं। तो दुनिया के अंदर दूसरी जो ममालिक है जो हिंदुस्तानी है जहाँ सबसे ज्यादा जो है वो हाजी जाते हैं। पिछले 2 सालों से अगर बात करें 2019 और 20 की, तो जो उनका एक फैसला ये भी आया था कि जो खवातीन है वो कहीं ना कहीं हज के लिए अकेले भी जा सकती है, तो वो खातीन को लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके पहले जो हज पे खातीन जाना चाह रही थी, 3,000 खातीन का जो फॉर्म था वो जमा हुआ था हज कमेटी के अंदर, उसके अंदर ये भी फैसला किया हज कमेटी ने कि वो 3,000 के अलावा भी कोई खातीन इंडिविजुअल भी हज करना चाहती है तो उनको भी मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर उनको मतलब कोई डायरेक्ट उनकी कोई पूरा अंदाजी नहीं होगी, डायरेक्ट उनको हज के लिए भेजा जाएगा।